नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आईपीएल के लीग का आखिरी मैच कोलकाता और राजस्थान के बीच में खेला जाएगा। कोलकाता तो वैसे भी टॉप पर है, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में नहीं है। इस मैच के आने वाले सभी मैचेस में आपको नहीं मिलेगा, तो उसको कौन सा प्लेयर रिप्लेस कर रहा है वो हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे कि उसको टीम में पिक करना है या नहीं करना है। वही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान चाहेगी कि इस मैच को विन करके टॉप टू में जगह बना ले, और वैसे भी लगातार मैच हारती हुई आ रही है पिछले 3 से 4 मैचेस, तो ऐसे में यहां विनिंग ट्रैक पर आने की कोशिश करेगी। तो दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। बात करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी जो आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में जगह बनाएंगे, ग्रैंड लीग के लिए कौन जरूरी है, इस पर पूरी बात होगी, और पूरा प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने रख दूंगा जिससे एक बेहतरीन टीम तैयार आप कर सकते हो। अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद के जो अपडेट्स हैं और पिच रिपोर्ट प्लस फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त ऑफर है, जहां पे आप 1 रुपए में एक टीम मेगा कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो, और ऐसा आप 5 टीम्स के साथ में कर सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। गुवाहाटी में पिछला मैच भी खेला गया था जो कि राजस्थान हार गई थी। टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 2 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 1 मैच जो है वो सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता। एवरेज स्कोर अगर देखते हैं तो राजस्थान ने पिछले मैच में महज 144 बनाया था, लेकिन उसके पहले के जो 2 मैचेस है वहां पे अगर आप नजर डालोगे तो 190 प्लस का स्कोर हमने देखा है। चूंकि ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, यहां पे आपको लगभग लगभग आराम से अगर देखा जाए तो 170-180 बन जाना चाहिए, 180 ईजी स्कोर है, लेकिन पिछले मैच में ऐसा हुआ नहीं था। अब हुआ क्यों नहीं था, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर राजस्थान के नहीं थे, जिसमें बटलर नहीं था, शिमरन हिटमायर नहीं थे, और ऊपर से संजू सैमसन और जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे। स्कोर करने वाला प्लेयर थे रियान पराग, जिनके भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे। यहां से नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे सैम करन। फिर यहां पे बटलर का 79 था, यहां पे शिखर धवन का 86 था, डेविड वार्नर के 65 थे ओपन करने आए थे, यहां पे संजू सैमसन का 42 था, यहां पे सैम करन का 63 था। मतलब मिडिल ऑर्डर सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके दे सकता है। पावर प्ले के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपको दोनों इनिंग्स में विकेट देखने मिल जाएंगे। फास्ट बोलर्स का रोल बहुत ज्यादा है स्पिनर्स के मुकाबले, मतलब फास्ट बोलर्स आपको ज्यादा विकेट निकाल कर देंगे। अब दोनों टीम्स के अगर हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो केकेआर ने 223 बनाया था, राजस्थान ने बनाया था 224। सुनील नारायण का 109 था, हर्षित राणा के 2 विकेट थे और 2 विकेट थे नारायण के। अब चूंकि पिछला मैच जीते थे बटलर की वजह से, क्योंकि एक तरफ से अकेले खड़े रहे थे और इसके अलावा किसी और ने स्कोर उतना कुछ खास किया नहीं, आवेश खान के 2 विकेट थे और कुलदीप सैन के 2 विकेट थे। इसके पहले वेंकटेश अय्यर का 57 का स्कोर था, जायसवाल ने 98 बनाया था संजू सैमसन के 48 के साथ में, चहल के 4 विकेट थे और बोल्ट ने निकाला था 2 विकेट। तो दोस्तों, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो स्कोर किया था। अब अगर हम बात करें कि कैसे आप 1 रुपए में एक टीम लगा सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर, वो भी 5 टीम्स के साथ में, तो आपको करना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक माई 11 सर्कल एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन को डाउनलोड, जाकर डाउनलोड करो, साइन अप कर लो, और जितने भी लोग, जितने भी नए यूजर अभी हमारी ऐप से हमारी लिंक से साइन अप करेंगे, उन लोगों को मिलेगा कि आप 1 रुपए में आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी 5 टीम्स के साथ में। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हर एक मैच के मेगा कॉन्टेस्ट में आपको प्राइज मिलता है 1 करोड़ रुपए का, प्लस मिलता है आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट में, जैसे कि अगर आप लोग पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो तो टैलेंट 23 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जरा प्रेडिक्शंस की, कि भाई रखना किस किस को है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखें तो टॉम कोहलर, किडमोरे और जायसवाल आपको नजर आए थे। किडमोरे ने बहुत गंदा खेला पिछले मैच के अंदर, ये आप भी जानते हैं। इसके बाद जायसवाल जल्दी आउट हो गए, संजू सैमसन ने भी कुछ खास किया नहीं। फिर आते हैं रियान पराग, जिन्होंने थोड़ी बहुत बैटिंग की थी। अब चूंकि बैटिंग नहीं बची है इस टीम के पास में, तो पॉसिबल है कि ज्यादातर मैचेस में अश्विन की बैटिंग आ जाएगी, मतलब अब आप अश्विन को बैटिंग के लिए भी टीम में शामिल कर सकते हैं। अब रही बात गेंदबाजी की, तो बोल्ट आपको मिलेंगे पावर प्ले में,
इसके साथ आपको मिलेंगे संदीप शर्मा, फिर आएंगे आवेश खान गेंदबाजी करने, फिर यूजी चहल और अश्विन की शुरुआत होगी, और फिर आपको डेथ ओवर में मिलेंगे आवेश खान, संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट। यही आपको गेंदबाजी सेक्शन नज़र आएगा पूरे मैच के दौरान। और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादा मैचेस इस मैदान पर खेले नहीं गए हैं, सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं जिसमें जायसवाल के पास 75 रन है, मात्र 150 है, संजू सैमसन के पास में 60 रन है, बैटिंग एवरेज 20 का है, रियान पराग के पास 25 का बैटिंग एवरेज है, अश्विन के पास 28, ध्रुव जुरेल के पास में 40 है और रोबमैन पोवेल ने 6 रन बनाए हैं। अश्विन इस मैदान पे पहले भी 3 विकेट निकाल चुके हैं, और संदीप शर्मा के पास में 1 विकेट है, बोल्ट के पास में 4 विकेट हैं और युजवेंद्र चहल इस मैदान पे टोटल 6 विकेट निकाल चुके हैं 3 इनिंग्स के अंदर। अब जो पहला नाम आपको मिलता है कैडमोरे का, अगर आप इनका बैटिंग एवरेज भी देखोगे तो 18 का बैटिंग एवरेज है, कोई खास नज़र नहीं है, और आप देखेंगे पहले बैटिंग करते हुए एक बार पचास से ऊपर का स्कोर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग परेशान कर रही है, तो सामने मिचेल स्टार्क मौजूद है, तो बहुत हद तक पॉसिबल होगा कि ये विकेट चला जाना चाहिए। तो मिचेल स्टार्क के पास में ये पहला विकेट का मौका है, मतलब ये खिलाड़ी हमारी स्मॉल लीग की टीम में जगह नहीं बना पाएगा, और मिचेल स्टार्क के पास विकेट का चांस है तो इनके हमारी टीम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं जायसवाल। अब चूंकि हमें एक ओपनर लेके चलेंगे तो उसमें हमारी टीम में जायसवाल है जिनका रिकॉर्ड इस टीम के सामने काफ़ी बढ़िया है, और वैसे भी अगर देखोगे तो लगभग 40 का एवरेज है जिसमें 6 50 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर हमने किया है। पहले बैटिंग करते हुए 3 50 है, सेकेंड बैटिंग करते हुए 3 50, दोनों इनिंग में 100 है। चूंकि लेफ्ट आर्म मीडियम ने इनको भी 5 बार आउट किया है, दिक्कत इनको भी आ सकती है, इसीलिए मैं इनको अपनी कैप्टन वाइस कैप्टनसी में अभी शामिल नहीं कर रहा हूँ स्मॉल लीग में। आप जीएल में तो बना सकते हो, स्मॉल लीग में अभी रिस्क नहीं लूंगा, एज अ प्लेयर रख के ही चलने वाला हूँ। फिर आपको मिलते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन का केकेआर के सामने बैटिंग एवरेज 29 का है और वैसे 3 50 है। रीसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा चल रहा है, अगर देखा जाए 2023 से 2024 में 45 का बैटिंग एवरेज है, कमजोरी कुछ भी नहीं है, और सुनील नारायण इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। नारायण ने 3 बार आउट किया और परेशान भी किया है, साथ में रसेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 19 गेंदों के अंदर। अभी हाल फिलहाल में कोई खास कमजोरी नहीं है तो इनको हम अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं। फिर आएंगे नंबर 4 रियान पराग। रियान पराग ने ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर किया है, जब जब बैटिंग आई तब तब स्कोर किया है, तो रियान पराग रीसेंट फॉर्म की वजह से टीम में है। अगर आप इनका पुराना रिकॉर्ड देखने जाओगे तो इस साल से पहले इन्होंने कभी 50 भी नहीं बनाया था, तो वो रिकॉर्ड देखने का मतलब भी नहीं है। इस साल ही जो 4 50 टोटल, वैसे इन्होंने 4 या 5 50 बनाए हैं जिनमें से 4 50 इस साल है, तो यही इनका बेहतर रिकॉर्ड है। तो अभी के लिए ये आपकी टीम में है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के अंदर। ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हो, स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टन तक ही लेके जा सकते हैं, कप्तान नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद अगला नाम है रवि अश्विन का। चूंकि अब अश्विन आपको बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, अब आप इनको चाहो तो एज अ प्लेयर टीम में रख सकते हो। 28 इनिंग में 24 विकेट कोलकाता के सामने है, वैसे 21 विकेट है, जब पहले गेंदबाजी की है तो 8 है, तो सेकंड की है तो 13 है। लेग ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 14 का है इनका, लेफ्ट आर्म के सामने थोड़ी दिक्कतें रही हैं, चूंकि वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क हैं लेकिन मिचेल स्टार्क इस नंबर पर गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ वरुण चक्रवर्ती इनको परेशान करेंगे। फिर इसके बाद ध्रुव जुरेल ने उतना कुछ खास किया नहीं है, बैटिंग एवरेज 23 का है, पिछले मैच में फिर भी कुछ अटैकिंग शॉट्स थे, मज़ा आया था देख के। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको मिलेगा महज 4 का, ऑफ ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज महज 3 का है, सुनील नारायण मौजूद हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ये जीएल की कुछ टीम्स में जगह बना सकते हैं 25 से 30 रन के लिए बस। फिर आपको मिलते हैं रोबमैन पोवेल। ये खिलाड़ी अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड से मतलब ये है कि कभी चल एक तरफा चल जाए या फिर बिल्कुल कुछ ना करे, लेकिन दोस्तों सामने वाली टीम के पास में बड़ी कमाल की स्पिन पेयर है, वहाँ पे आपको सुनील नारायण मिलते हैं, वहाँ पे आपको वरुण चक्रवर्ती मिलते हैं, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि स्पिन इनके लिए थोड़ी परेशानी रहेगी। अभी आप देखेंगे तो ऑफ ब्रेक के सामने वैसे भी बैटिंग एवरेज सिर्फ 7 का ही है, और सुनील नारायण ऑलरेडी इनको 6 बार आउट कर चुके हैं, तो रोबमैन पोवेल को भी ज़्यादातर टीमों में रखने का फ़ायदा नहीं होगा। फिर है फरारिया। डी फरारिया ने 19 का बैटिंग एवरेज और 2 50 किया है पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें दोनों इनिंग्स में 1 1 50 है, 4 इनिंग में 3 विकेट इनके खाते में दर्ज है। लेग ब्रेक के सामने इनका बैटिंग एवरेज जो है वो महज 8 का होता है, और वरुण चक्रवर्ती के पास में ये एक और मौका है कि वो विकेट निकाल दें। अब इस मैच के अंदर एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि
दो से तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके वरुण चक्रवर्ती को विकेट दे सकते हैं, अगर प्लस उसमें इनको एकाधिक विकेट एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये विकेट तीन से चार भी हो सकता है। तो इसीलिए वरुण चक्रवर्ती आपके जीएल का एक कैप्टनसी का ऑप्शन बन जाते हैं। फिर आपके पास में नाम आता है संदीप शर्मा का, जिन्होंने केकेआर के सामने 10 विकेट निकाले हैं, पिछले दो मैचेस में जीरो लगा है, 23 से 24 में 20 विकेट है। इकोनॉमिकल गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, विकेट मिल जाता है पर उतना कुछ खास रहा नहीं। फिर पहले गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट है, चूंकि डेथ में आते हैं तो आप पहले गेंदबाजी करते हुए ट्राई कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट की बात करें, 10 इनिंग 13 विकेट इनके खाते में है, 25 इनिंग में 28 विकेट इन्होंने निकाले हैं। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 13 में 16 है, सेकंड कराओगे तो 12 में 12 विकेट है। अब इसके बाद आवेश खान, जिन्होंने केकेआर के सामने 12 विकेट निकाले हैं 7 इनिंग्स के अंदर, और 22 इनिंग में 21 विकेट 23 से 24 में इनके खाते में दर्ज हैं। अंतिम नाम है चहल का, जो कि 22 में 29 विकेट कर चुके हैं, और कोलकाता के सामने पंजा पहले खोला है इन्होंने, और 23 से 24 में इनके खाते में 38 विकेट हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 14 में 16, सेकंड करते हुए 22 विकेट हैं। इस साल सिर्फ एक मैच ऐसा था जब इन्होंने वाइस कैप्टनसी का काम किया, बाकी एक भी मैच में 2 से ऊपर इनके विकेट नहीं गए, तो ये साल इनके लिए सबसे गंदा कह सकते हो आप। अब बात करते हैं कोलकाता की, और कोलकाता का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक इस मैच के अंदर नहीं है वो है पी सॉल्ट। फिल सॉल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि अब वो वापस इंग्लैंड जा चुके हैं, तो उनको रिप्लेस करेंगे गुरबाज। हालांकि गुरबाज भी उतने ही अटैकिंग प्लेयर हैं जितने कि फिल सॉल्ट हैं, हो सकता है कि उनसे और तेज भी खेल जाएं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि गुरबाज में कंसिस्टेंसी नहीं है। हालांकि कंसिस्टेंसी तो सॉल्ट में भी नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं कैसे इंडिया में कमाल कर गए। आप किसी भी दूसरे टूर्नामेंट में देखोगे तो सॉल्ट उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। अभी के लिए गुरबाज आएंगे नारायण के साथ में, बाकी पूरी रेस्ट ऑफ टीम सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। नंबर 3 पे अय्यर, नंबर 4 पे भी अय्यर आएंगे, फिर राणा मिलेंगे, फिर रसेल मिलेंगे। अगर ऊपर से शुरुआत अच्छी होती है तो रसेल ऊपर आ जाएंगे। गेंदबाजी आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगी, अरोरा पावर प्ले में स्टार्क के साथ में, फिर आपको मिलेंगे हर्षित राणा, और फिर डेथ ओवर में आपको आंद्रे रसेल का एक ओवर मिल जाएगा, फिर आपको स्टार्क और राणा के डेथ ओवर में गेंदबाजी मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको गेंदबाजी देखने मिलेगी। अभी अगर वेन्यू की बात करें तो इस मैदान पर कोलकाता पहली बार खेल रही है, और जो पहला नाम आपको अब यहाँ से मिलेगा वो है गुरबाज का। गुरबाज ने पिछले एक साल के अंदर 22 के स्कोर एवरेज के साथ में स्कोर किया है, जिसमें 6.50 है। पहले बैटिंग करते हुए 2.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 4.50 है। राइट आर्म मीडियम के सामने इनका बैटिंग एवरेज थोड़ा ज़्यादा गंदा है, बैटिंग एवरेज सिर्फ 13 का ही है। और आवेश खान और संदीप शर्मा दो गेंदबाज हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नारायण। सुनील नारायण का काम वैसे भी मिस और हिट वाला ही रहा है, तो इन पर तो आपको आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी भी 4 ओवर डालते हैं। तो ये खिलाड़ी आपकी टीम में रहेगा खास तौर से गेंदबाजी के लिए, और पहले गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट है, सेकंड करते हुए 16 विकेट है, क्योंकि विकेट लेस बहुत कम नजर आएंगे, एक विकेट ऑलमोस्ट आपको निकाल कर दे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक विकेट के लिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में आएगा, लगातार स्कोर कर रहा है उस वजह से भी रहेगा। और फिर अगर हम बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की, तो जब से 3 नंबर पर बैटिंग की है स्कोर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये टीम में आपकी जगह बना लेंगे। राजस्थान के सामने लगभग 27 का बैटिंग एवरेज है, 1.50 है, और 23 से 24 के बीच भी लगभग 30 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 4.50 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। कमजोरी के नाम पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग परेशान करती है, चहल 2 बार आउट कर चुके हैं, 179 का स्ट्राइक रेट है। वैसे लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान कर सकता है अगर पहला विकेट जल्दी चाहे तो, क्योंकि 2 बार आउट हो भी चुके हैं। फिर इसके बाद अगला नाम है श्रेयश अय्यर का। श्रेयश अय्यर का राजस्थान के सामने बैटिंग एवरेज 33 का है, जिसमें 3.50 है। आउट किया है चहल ने कई ओवर, क्योंकि चहल इनको परेशान करते हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं, लेग ब्रेक इनकी दिक्कत है, लेफ्ट आर्म मीडियम इनकी दिक्कत है। वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि चहल इनको आउट कर दें, क्योंकि चहल के सामने ये कई बार पहले भी फंसे हैं, और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। फिर है नीतीश राणा। जब लास्ट टाइम बैटिंग आई थी बहुत बढ़िया बैटिंग की, राजस्थान के सामने इनका बैटिंग एवरेज 25 का है, 50 नहीं है, और ये भी लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। मतलब ये दोनों टीमें ऐसी हैं, राजस्थान की बात करें तो उनके भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेग स्पिन बहुत परेशान कर रही है, और इस टीम के भी कुछ खिलाड़ी ऐसे जिन्हें लेग स्पिन परेशान कर रही है। सेकेंड बैटिंग करते हुए 3.50 है, और चहल है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। टोटल 3.50 किए हैं 16 इनिंग्स में पिछले एक साल के अंदर।
फिर इसके बाद आंद्रे रसेल हैं जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, जब तक गेंदबाजी करेंगे आपके लिए ड्रीम टीम में आ जाएंगे, जब गेंदबाजी करना बंद कर देंगे वहीं ड्रीम टीम में आना मुश्किल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 इनिंग में 12 विकेट है पहले गेंदबाजी करते हुए, 2nd इनिंग में 15 में 15 विकेट है। आवेश खान इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, आवेश खान ने इनको परेशान किया है, 25 गेंदों में आउट किया है, और बोल्ट इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 20 गेंदों में। हालांकि बोल्ट के सामने इनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है और पहले बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ध्यान रखना इस बात को कि अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे ना तो ये आपको ड्रीम टीम में भी मुश्किल से मिलेंगे। फिर है रिंकू सिंह, रिंकू सिंह का बैटिंग डाउन इतना नीचे है कि बैटिंग ही नहीं आ पाती है, तो हाल फिलहाल में रिंकू सिंह आपके जीएल वाली टीम में भी बामुश्किल ही शामिल हो पाएंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनका बैटिंग एवरेज 14 का होता है जो कि राजस्थान के पास में नहीं है। अब अंतिम जो आपको नाम मिलते हैं कुछ बैटिंग में, जैसे रमनदीप सिंह है, इनकी भी बैटिंग नहीं आ पाती है, और वैसे 50 नहीं किया है, क्या कहें 50 की बैटिंग ही नहीं आ रही तो बंदा क्या करेगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको 10 का देखने मिलता है। चूंकि अब यहाँ से गेंदबाजी आती है तो वरुण चक्रवर्ती पिछले 3 मैचेस से कमाल कर रहे हैं, पर्पल कैप की दौड़ में भी शामिल है, ये गेंदबाज जरूरी है। और क्यों जरूरी है ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ, पहले गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट हैं, 2nd करते हुए 15 में 22 हैं, हर्षित राणा भी ऑलमोस्ट 2 विकेट निकाल सकते हैं तो 16 में 19 इनके खाते में है, 2nd गेंदबाजी करते हुए इन्होंने भी कमाल किया है, और यहां से नाम आता है मिचेल स्टार्क का, 5 इनिंग 6 विकेट और 11 इनिंग 12 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद वैभव अरोरा 17 में 17 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। दोस्तों जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा है। अब जरा कैप्टन वाइस कैप्टन पर नजर डालोगे तो नारायण, सैमसन और रसेल, इसके बाद चहल, गुरबाज और जायसवाल, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। इनके अलावा एकाधिक ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा टेलीग्राम पे। अभी के लिए संजू सैमसन मेरे वाइस कैप्टन है, नारायण हमारे कैप्टन है, वेंकटेश अय्यर, गुरबाज है, जायसवाल, रियान पराग, आंद्रे रसेल, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा हमारी टीम में है। अगर मुझे कोई भी चेंज करना होगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे आप लोग मेरे साथ में रहना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट सेक्शन में भी। ध्यान रखें दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय महाकाल।